नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह सुर्खियों से। पिकनिक का मौसम आते ही गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में जुटने लगे हैं सैलानी। प्रशासन की ओर से नहीं है कोई दिशा निर्देश, लोगों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस है मुस्तैद। झारखंड में हेमंत सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आसू पार्टी मनाएगी विश्वासघात दिवस। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने कहा, हेमंत सरकार में अपराधियों की हिम्मत बढ़ी है, सरकार से जनता का हो रहा है मोह भंग। और बढ़ती ठंड व शीतलहरी को देखते हुए जिला प्रशासन हुआ अलर्ट, पंचायतों में कराया जा रहा है जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरण। और अब खबरें विस्तार से। दिसंबर का महीना आते ही सभी पर्यटक स्थल गुलजार होने लगते हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से सभी पार्क अभी बंद है। इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। सैलानी दूर दूर से पर्यटन स्थल खंडोली पहुंच रहे हैं। इधर प्रशासन भी सैलानियों की सुविधा का पूरा ख्याल रख रही है। गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में दिसंबर व जनवरी के महीनों में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ती है और यहाँ लोग दूर दूर से पिकनिक मनाने व घूमने आते हैं। यहाँ सुंदर सा डैम और बड़ा सा पहाड़ लोगों को आकर्षित करता है। अभी कोरोना काल चल रहा है और अभी सभी पार्क, डैम आदि जगह बंद है। प्रशासन के द्वारा भी पार्क बंद कर दिया गया है और अभी तक पार्क को खोलने को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। फिर भी सैलानियों का आना जाना हो रहा है। काफ़ी संख्या में दूर दूर से सैलानी घूमने आ रहे हैं और डैम और पहाड़ का लुत्फ उठा रहे हैं। इन सब के मद्देनज़र प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ उन्हें सुविधा देने के लिए जुटी हुई है। गुरुवार को बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह अपने पूरे दलबल के साथ खंडोली पार्क में निरीक्षण करते नजर आए और काफ़ी मुस्तैदी के साथ दिखे। वहीं इंस्पेक्टर गुलाब सिंह ने कहा कि लोगों को परेशानी ना हो, इसे लेकर हम सभी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि जनता की सेवा करना ही लक्ष्य है और उनकी सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे तो सरकारी नियमानुसार बंद है कोरोना 19 के लेकर के, फिर भी यहाँ पर पब्लिक आते जाते रहेगी, जन पिकनिक वगैरह भी मनाएगी, उसी के लेकर के हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को आसू विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। यह बातें गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने कही। गुरुवार को वे आसू की बैठक में भाग लेने गिरिडीह पहुंचे थे। गोमिया के विधायक लंबोदर महतो आसू की बैठक में भाग लेने गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। आसू के केंद्रीय सचिव संजय साहू के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 29 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष में आसू पार्टी विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के झूठे वादों की पोल खोलने का काम आसू पार्टी करेगी। विकास का काम हो या रोजगार देने की बात, सरकार सारे मोर्चे पर विफल साबित हुई है। राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार भी समाप्त होने वाला है, लेकिन अब तक पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी घोषणा सरकार ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। हेमंत सरकार में अपराधियों का हिम्मत बढ़ा है, जिसके कारण राज्य में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है। साथ ही राज्य में महिलाओं पर भी अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार से जनता का मोह भंग हो रहा है। आसू पार्टी पूरे राज्य स्तर पर अपने संगठन को सशक्त बनने के लिए और उसके विस्तार के लिए, पुनर्गठन के लिए एक अभियान के तौर पर ये कार्यक्रम आसू पार्टी चला रही है। और उसी के क्रम में, क्योंकि हमें गिरिडीह जिला का
प्रभारी बनाया गया। इन कामों को देखने के लिए पार्टी की ओर से दायित्व सौंपा गया। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से हम लोग गिरिडीह जिले में आशु पार्टी को पूरी तरह से सशक्त करें, सांगठनिक तौर पर मजबूत हो, ये हम लोग आज रूपरेखा तय करेंगे। और इसके साथ ही आशु पार्टी ने निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर को झारखंड सरकार का एक वर्ष पूरा होना है और इस सरकार ने राज्य के 3,30,00,000 लोगों से जो वायदे किए थे, जो इन्होंने विश्वास दिलाया था कि ये हम करेंगे, निश्चित रूप से सरकार इन सारे चीज़ों को, अपने घोषणाओं को, आश्वासनों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जनता के साथ विश्वासघात किया गया है, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी 29 दिसंबर को पूरे राज्य में आचू पार्टी विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी। बेंगाबाद क्षेत्र के 18 विद्यालयों के छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए भरे गए फॉर्म के सत्यापन के लिए उपायुक्त के निर्देश पर गठित टीम ने विद्यालयों में विजिट की और सत्यापन को लेकर जांच किया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के 18 विद्यालयों के छात्रों द्वारा वर्ष 2020 में छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई की गई थी, जिसके सत्यापन के लिए गिरिडीह जिला उपायुक्त के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी। इस टीम के द्वारा उन सभी विद्यालयों में विजिट कर फॉर्म सत्यापन को लेकर जांच की गई। टीम में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक 826 कल्याण दिनांक 25/11/2020 के आलोक में वर्ष 2020 में जिन विद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई किया गया है, वैसे 18 विद्यालयों की सूची हम लोग को जिला से प्राप्त हुआ था फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जिसकी एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच करना। विगत 3 से 4 दिनों में हम लोगों ने सभी 18 विद्यालयों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया और जो भी बिंदु उसमें आए उसका प्रतिवेदन हम लोगों ने आज उपायुक्त महोदय को भेज दिया। जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बेंगाबाद प्रखंड के लिए 4400 कंबल उपलब्ध कराए गए। गुरुवार को प्रत्येक पंचायत को 140 कंबल दिए गए। शीतलहरी व ठंड को देखते हुए धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिला प्रशासन गंभीर होता दिख रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बेंगाबाद प्रखंड के लिए 4400 कंबल उपलब्ध कराए गए, जिसके तहत यहां 25 पंचायतों में कंबल का वितरण किया जाना है। गुरुवार को बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत को 140 कंबल उपलब्ध कराए गए। साथ ही निर्देश दिया गया कि जो भी जरूरतमंद है उन्हें चिन्हित कर कंबल उपलब्ध कराया जाए। इस वर्ष 2020-21 में हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा विभाग से 4400 कंबल का आवंटन प्राप्त हुआ है। उसके आलोक में 4000 कंबल कल जो है ब्लॉक में पहुंचा है। उसके आलोक में हम लोगों ने 25 पंचायतों को 140 कंबल के हिसाब से 3500 कंबल आज उपलब्ध कराने का दे दिया है, उपलब्ध करा दिया है। और साथ ही सभी पंचायत सचिव को ये निर्देश दिया गया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से योग्य लाभुकों को 3 दिनों के अंदर वितरण करके उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र हम लोग को देंगे। साथ ही कुछ हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर रखा है, कहीं किसी को अगर वितरण करना होगा तो हम लोग भी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा देवरी के कई गांव में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 6 उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया। बुधवार को देवरी थाना क्षेत्र के कई गांव में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सहायक विद्युत अभियंता मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जमुआ, मानव बल कर्मी जमुआ उदय मिश्रा, सोनू सुमन व अनवर अंसारी के सहयोग से छापामारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत देवरी प्रखंड के कई क्षेत्रों का दौरा किया गया और इस दौरान कुल 6 उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की चोरी करते पकड़ा गया। उपभोक्ताओं पर यह आरोप है कि वे लोग अपने दुकान में अवैध रूप से चालू LT मशीन में टोका लगाकर विद्युत ऊर्जा की चोरी कर रहे थे। इस बाबत नामजद उपभोक्ताओं पर सहायक विद्युत अभियंता मनोज कुमार सिंह, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जमुआ के द्वारा देवरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं प्रत्येक आरोपी उपभोक्ताओं पर 10-10,000 क्षतिपूर्ति राशि का जुर्माना भी लगाया गया है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में गुरुवार को परिवार कल्याण के तहत महिला बंध्याकरण को लेकर एक कैंप लगाया गया, जिसमें 18 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में गुरुवार को परिवार कल्याण के तहत महिला बंध्याकरण को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया। इस बाबत चिकित्सा प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि गुरुवार को इस कैंप में कुल 18 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया है। इस मौके पर ANM मंजू कुमारी, रीता कुमारी, एंजला मनीषा कुजूर, सीबू मेहतर, किशुन मेहतर, प्रेमलता सहित कई लोग मौजूद थे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।